प्रिंसिपल भाई नहीं थे। नहीं, वो भी बीमार हुए पड़े हैं ना, बहुत ज्यादा दर्द है, बिल्कुल सर फट रहा है। अहमद भाई सर में बहुत ज्यादा दर्द है, इनको तो बुखार है, ये यार पूरा जिस्म जल रहा है, माथा भी जल रहा है। अम्मा उठो, ले लो ये टेबलेट खा लो, फिर जो है सो जाना। ये लो खाओ। ज्यादा ठंड लगे तो फिर भी बता देना है आपने, ठीक है, फिर मैं और रजाई ले आऊंगी। अभी जो है ना इसका वो तिड़के की जो आवाज है वो कहाँ चली गई है भाभी? मेरे ख्याल में सिलेंडर जो है खत्म हो चुका है और उसने जो है हमें ऐन मौके पे धोखा दे दिया। ओ तेरी खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी अभी अभी हम शहर से वापस आए हैं और शहर से जी लिया 1 किलो चिकन और साथ में जी मसाला वगैरह। जलेबियां किरे किते ले गया वो वकारी, उधर क्यों ले गया, इधर नहीं देनी? नहीं वो तो थोड़ी सी थी, अरशाद भाई के लिए ली थी। अच्छा, वैसे अगर बोलेंगे तो दे देंगे। अच्छा अच्छा, नहीं फिर नहीं देनी। अच्छा पानी आप ले जाएं जी। और सबा जी अभी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये क्या बना रही हो? ये मुर्गियों के चंबे। मुर्गी के चंपे ये खाए जाते हैं? हाँ तो और क्या, आपने कभी नहीं खाया? मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ जी। ये भी पकते हैं, खाए जाते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं। पूरी मूंदी का रखे देगड़ी। गरम थे यार, हाथ जल रहे थे मेरे। अच्छा तो जी ये देखें मुर्गी के जो है चंपे, इसने मेरे ख्याल में पानी में उबाल लिए हैं, आप शायद इनको पकाएगी। मैं अभी इसको छीलना है, फिर काटूंगी, फिर बनाऊंगी। फायदा, हम तो कोई भी नहीं खाता ये, मैं खुद खाऊंगी, कोई ना खाए। ठीक, बड़े टेस्टी बनते हैं यार, आपको क्या पता। देखना ये गर्म ना होते हूँ, ये ना आपको नुकसान हो, आप तो ऐसे ही हर चीज खाती रहती हो। चिकन की फ्राई होती है और तो कुछ नहीं। बेबो बेबो जानी, ये गाड़ियां चला रहे हो? अच्छा बात सुनो, आओ कार से ना आप केले उठाओ, बिरयानी उठाओ, मौसमी उठाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, भाजा 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 भाजा। तो जी ये चित्री वाले बड़े बड़े केले भी लिए और साथ में ये देखें सबा के लिए मौसमी ली 5 किलो, बड़े शौक से खाती है इसलिए ले लीजिए। और ये अभी केले भी लेकर जाते हैं। और ये होगी जी खिड़की बंद। माशाल्लाह जी बिरयानी जो है वो आ चुकी है और खुल चुकी है। बेबो ने ढक्कन खोल के खाना स्टार्ट कर दिया है। खा रहे हो बेबो? वाह प्यारे लग रहे हो आज, आज प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। चलो खाओ, मैं भी आपके साथ खा लूं। अच्छा नहीं खाता जी, खाएं आप, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें। माशाल्लाह जी अभी जो है वो टमाटर काटे जा रहे हैं, साथ में मिर्चें भी, प्याज भी। हाय अल्लाह, मेरे सबा सर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या करूं? सबा वो गोली खा लो। कौन सी गोली? पेनाडोल पड़ी है, फिर कहाँ से खा लो? भाई के घर से पूछ लो। अच्छा वो जो है वो उसको दे दिया। अभी आप चिकन बना रही हो दूसरी? हाँ वो काय छील के दो, फिर मैं बनाऊंगी। अच्छा वो ठंडी हो जाए ना तो फिर उसके ऊपर जो वो उनके वो खल्ली होते है ना वो नहीं उतरती, बड़ी मुश्किल से उतरती है, गरम गरम से जल्दी उतर जाती है। तो इसी वजह से भाई को कहा, भाई ने कहा अच्छा भेज दो, मैं ना जल्दी से बना देता हूँ। तो जी प्यारे बहन भाइयों अभी जो है सब धो रही है चिकन और पानी भी बिल्कुल गर्म, मोटर भी चलाई थी तेज़ी से, वो निकल आएगा ठंडा, दूसरी बार गर्म में चलो सही तो साफ हो जाएगी ना। ऐसे एक एक पीस करके धो लो, ठीक है? ठीक हो गया। अभी जो है ना थूम काट रही हैं मैडम साहबा, काट नहीं कूट। अच्छा, कूट रही हैं। हाँ जी कूट रही हैं। अदरक और लहसुन जो है मैं कूट रही हूँ, फिर इसके बाद जो है इंशाल्लाह मसाले की भुनाई होगी तो फिर इंशाल्लाह जरूर। तो
अभी जो है हम जला रहे हैं चूल्हा, चूल्हा जो हमारा जल चुका है और अभी इसमें ऐड करेंगे घी। लेकिन बाल्टी बड़ी है उसमें घी बिल्कुल कम है। अच्छा भाई ये मुझे पहले बताएं कढ़ाई बनानी है या फिर शोरबे वाला सिंपल सा? देख लें, ये भी पड़े हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, देख लें जो समझ आए कर लें। पहले वो बना लें ना, वो बना लें। पहले तो मैं चिकन बना रही हूँ। हाँ वो बना लें, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वही तो चिकन का पता चले ना कि कढ़ाई बनानी है या फिर शोरबे वाला। कौन सा बनाना है? शोरबे वाला। मैंने कहा बना दो सुबह, फिर नाश्ता भी करते हैं ना मिस्त्री। चलो सही हो गया, शोरबे वाला जी बना दें और जल्दी जल्दी बनाएं, अभी वो पंजे भी बनाने हैं, टाइम बहुत कम है। उसकी तो सिर्फ भुनाई करूंगी बस। हाँ सही है, तो इसका ना शोरबे वाला बनाना है फिर। ठीक है, तो जी हमारा घी जो है अच्छे तरीके से तड़क चुका है और अभी हम ऐड करेंगे प्याज जो है मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे जो है अभी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब तक ये अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं होते तो तब तक हम कोई चीज भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जी हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं और अभी हम जो है रंग चेंज करने के लिए जो है ऐड करेंगे हल्दी। अब हल्दी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले का जो है कलर कैसे चेंज हो गया, माशाल्लाह प्यारा प्यारा। तो इसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखा, और इसे जो है अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन जो है मैंने ऐड कर दिया है और अभी जो हम मिक्स करूंगी कैसे तरीके से ताकि इसमें घी और मसाला जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। माशाल्लाह जी, ये देखें चिकन जो है ना VIP करके तैयार हो रहा है, आपके सामने है, सारा कुछ देख सकती हैं आप। और मैडम साहिबा जो है ना वो बना रही हैं चिकन और देखते हैं कि कैसी रेसिपी बनती है। तो जी हमारी मुर्गी जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और अभी जो हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद फिर करेंगे हम सब्ज़ मिर्ची, ये सिर्फ अहमद के लिए, और उसके बाद करेंगे हम चार मसाले, गरम मसाला, कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त और धनिया पाउडर। ये जो मिर्चें आप देख रहे हैं ये बस अहमद भाई के लिए होती हैं। और सब जो फीकी खाते हैं और अहमद जो है चटपटी खाता है, तो इसी वजह से हम सालन फीका बना के सब मिर्ची ऐड कर देते हैं ताकि वो अपना सालन जो है चटपटी बना सके। और इसके साथ जो हम लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, हमने अपने हिसाब से डाली है, आपने जो है अपने हिसाब से डालना है, ये नहीं करना कि उन्होंने ज़्यादा ऐड किए और हम भी ज़्यादा ऐड कर दें फिर आप खा भी ना सके। तो बरए मेहरबानी आप अपनी मिकदार पे बनाइएगा। अभी जो है ना इसका वो तड़के की जो आवाज़ है वो कहाँ चली गई है भाभी? मेरे ख्याल में सिलेंडर जो है खत्म हो चुका है और उसने जो हमें एन मौके पे गैस धोखा दे दिया। ओ तेरी खैर। हाँ यार ये तो अब क्या होगा फिर? अहमद से कहो उसने आके बंद कर दिया। असल में उसकी तबीयत खराब है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसकी वजह से आज भाई को जो है हमने कहा कि वीडियो बनवा दे मेरे साथ। तो अब क्या होगा, रेसिपी हमारी ठंडी हो जाएगी और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है। जल्दी से आप सिलेंडर भरवा आए। चलो पूछते हैं अभी जी आपको, जैसा कि पता है कि गैस ख़त्म हो गया था और हमने जुगाड़ लगाया है यहाँ पर, ये चूल्हा भी पड़ा था और लकड़ियाँ भी पड़ी थी। आखिरकार कल मैं भाई वो अपने क्या कर रही थी, हाँ लकड़ी भी तोड़ रही थी, अहमद कहते हैं आप तोड़ो ना आपके हाथ हो काले हो जाएंगे, अभी उसने कहा चूल्हे पर हंडी चढ़ाओ। अफसोस की बात है, कल उसने कहा है कि आपके हाथ खराब हो जाएंगे, अभी कहा उसने कहे चूल्हे पर हंडी चढ़ा दो।
अहमद ये गलत बात नहीं है। रहने दो, वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक तो उसे ये भी दुख है कि आपको ना लकड़ियों पर आग जलानी पड़ी, और पहले से भी थोड़ा दुख वो बड़ा हैप्पी है। दुख होगा होगा। खैर कोई नहीं, इसके लिए ना गोलियां कहीं से ढूंढ लाते हैं, इसको खिलाते हैं, ये सुकून करेगा, फिर इसकी तबीयत जल जाएगी। ये कैसे जलाई है अभी देख, ये अभी जल जाएगी। भाभी जान ये क्या हो रहा है? ये देहाती जुगाड़ है। अच्छा वो ये कढ़ाई के नीचे लेप दे रही हूँ ताकि आसानी से जो कढ़ाई धुल सके, क्योंकि ज्यादा मेहनत होती है ना इसी वजह से। सही हो गया। तो जितना हो सके अपने लिए आसानी पैदा करो। गापी गाप है सारी। हाँ जी। अभी जी दोबारा से वो इसका जो शुकार था वो स्टार्ट हो गया है अब माशाल्लाह। भाई मिसाले ले आए थे, एक चीज की कमी पेशी है। वो क्या? सबुज धनिया। धनिया पूरे चौक पे पूछा है, नहीं मिलता, शॉर्ट है ना। अब मेरे ख्याल में हमें खुद को जो है घर में उगाना पड़ेगा, है ना। हाँ वो 12 महीने उगता तो है, देखेंगे सेटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी जी देखें धुआं भी आ रहा है और दोबारा से जो है ना हमारी रेसिपी दोबारा से स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। हाँ जी, दुआ करें कि जल्दी से जो हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन की जो है अच्छे तरीके से जो है भुनाई हो चुकी है। तो अब जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इधर से जो अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं इसमें जो जल्दी से पानी ऐड करती हूँ थोड़ा सा। फिर जो मैं जाती हूँ उसका सर दबाती हूँ, भाई को बुलाया है वो पता नहीं आ रहे हैं या नहीं, तो फिर जो उसकी दवाई वगैरह लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है अहमद के लिए दुआ करनी है कि वो जल्दी जो है सियात याब हो जाए। तो अभी जो मैंने चिकन को जो है दम पे लगा दिया, और अभी जो मैं जा रही हूँ अहमद के पास उसका सर दबाते हैं। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द है। तो जी अभी जो मैं अहमद का सर दबा रही हूँ, और असलम भाई जो है वो लेने गए हैं मशीन, तो इसका बीपी भी है, ये चेक करते हैं कि बीपी हाई है या फिर लो है। तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह आप सब इन भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और आपने जो है बहुत ज्यादा दुआ करनी है जोर से। असलम भाई नहीं थे? नहीं, वो भी बीमार हुए पड़े हैं ना, वैसे हैं तो घर में हैं। अभी चेक कर लेते हैं ना, फिर बुला लेंगे। बहुत ज्यादा दर्द है, बिल्कुल सर फट रहा है। एक मिनट ठहर जाना। भाई के जो है ना मशीन लगा दी है, ये देखें ब्लड जो है ना ये नॉर्मल बता रहा है, लेकिन सर का दर्द जो है ना वो पता नहीं क्यों है। तो अभी असलम भाई डॉक्टर भाई को बुलाया है? वो सुल्तान नहीं है यार, वो मुखलिस भाई भी बीमार हुए पड़े हैं ना, तो सुल्तान को कॉल करता हूँ। ब्लड वगैरह का मुझे ऐसे मसला नहीं होता कभी भी नहीं। तो अभी डॉक्टर भाई को बुलाएं, फिर वो चेकअप करेगा इसका। बुखार आ रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। असल में सुबह मैंने नहाया नहीं था, बस रोज़ाना जो आदत बनी हुई थी, क्योंकि रोज़ाना उठ गए या फ्रेश से थे और आज ये उठे हैं, इसने नहाया नहीं, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से इसकी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगी है। मैं अभी आदि हो जाता है ना। मैं अभी सुल्तान को फ़ोन करता हूँ ना, वो आके चेक करेगा, थर्मामीटर वगैरह लगा के ना फिर दवाई ले आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलो, धुआं आ रहा है भाभी जान की तरफ। हाँ तो जी हमारे मेरे प्यारे बहन भाइयों, सालन को जो है 5 या 10 मिनट जो है थोड़ा देर है, तो जैसे ही हमारा सालन तैयार होता है इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आपने जो है हमारे साथ रहना है, और इसे जो है मैं दम पे लगा देती हूँ। आग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल धुआं मार रही है, ये देखें। अंदर गोलियां पड़ी थी वो दे दो फिलहाल मुझे। कौन सी गोलियां यार? नई पड़ी गोलियां, वो दांतों की दर्द वाली कोई पड़ी थी वो अम्मी की। हाँ। वो अम्मी के पास थी, अम्मी ने पता नहीं कहाँ रखा, मैं देखती हूँ, देती हूँ आपको एक मिनट।
धुएं ने जो है ना बहुत तंग कर दिया है। अभी आग जलाते हैं और फिर रेसिपी वैसे भी तैयार है। असगर भाई माशाल्लाह आ गए हैं, देखें भाई क्या हुआ है अहमद भाई को क्या हो गया। अहमद भाई सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इनको तो बुखार है, ये यार पूरा जिस्म जल रहा है, माथा भी जल रहा है, पूरा जिस्म टूट रहा है, बिल्कुल हड्डियाँ जैसे दर्द करती हैं। बुखार ज़्यादा है यार, तेज़ बुखार लग रहा है, बहुत ज़्यादा तपिश है। तो फिर वो सुल्तान को करें काल वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई भी चीज़। वो समय काट देता हूँ, भाई काट देता हूँ, बता देता हूँ, आप बता देना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ वो टैबलेट लेने, वो टैबलेट ले आकर ला के मैं दे दें इसको। हाँ जी ला दें, खाया पिया है कुछ ना? हाँ खाया पिया। अहमद आप ना एक मिनट उठो, चार पैसे मैं आपको ना ये एक गोली खिला दें। एक? हाँ एक गोली खिला दें। अच्छा हाँ जी, और ये ना मैं आपको बिछा दूँ नीचे से, मच्छर ना काट जाए। सर्दी लग रही है मुझे, वही तो कह रही हूँ ना, फिर मैं आपको बिस्तर लगा देती हूँ, आप सो जाओ, उठो आ जाओ। एक खिला देना, बाकी जो दो बचेंगे वो रख लेना, फिर कभी काम आ जाती है। ठीक हो गया, उठो खड़े हो जाओ। कैमियन बाय इस तरह दे दो जल्दी से। अच्छा देती हूँ, आप ले जाओ। सब्जी लग गई, अब इंशाल्लाह सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो की जो अद्वियात वगैरह हैं वो रब्ता करते हैं, फिर वो भी ये ले आएगा सुल्तान। ज़्यादा ठंड लगे तो फिर भी बता देना आपने, ठीक है, फिर मैं और रज़ाई ले आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये देखें रेसिपी तैयार हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। ये अफराद ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए कुछ ये इसका जो शोरबा है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। और अभी बाकी सालन बिल्कुल तैयार है, तो अभी हम इसे उतार लेंगे नीचे। तो अभी जो मैंने सालन जो है तैयार कर लिया और वो जो उतार दिया, और अभी जो मैं जाती हूँ अहमद के पास, आ जाओ बेबो पापा के पास, और पूछती हूँ इसकी तबीयत का कि कैसी है तबीयत। अहमद सुनाओ अब तबीयत का, कुछ फर्क हुआ या नहीं? है फर्क? हाँ कुछ सही है, पहले करना दर्द कुछ फर्स्ट है। तो बहन भाइयों से मजीद भी दुआ की अपील है कि आपने सबने जो है अहमद के लिए दुआ करनी है कि इसकी तबीयत जो है वो जल्दी सेहत से हो जाए। जी मम्मा, तो इसी व्लॉग के साथ जो है हमें इजाज़त दे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।